हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं निधि आप सबका वेलकम करती हूँ। सभी छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोग मैं आपको दिखाऊंगी कि सहारागंज में बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं ग्रॉसरी पे, और किचन्स के जो भी कह लीजिए ग्रॉसरी होती है या उस पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं। तो क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं, किस किस चीज़ पे और क्या कितने ऑफ़र है, वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इसलिए मेरा पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस ऑफ़र्स का फ़ायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही अच्छी अच्छी और बहुत ही यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। तो ये आपका जो ऑफ़र्स चल रहे हैं ये मैं आपको बता दूँ, ये ऑफ़र्स आपके चल रहे हैं स्मार्ट बाज़ार में, जो कि पहले बिग बाज़ार था, जिसे अब रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है उस पर, और वो हो गया स्मार्ट बाज़ार। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं स्मार्ट बाज़ार में, और यशी को देखिए कितना ही इन्जॉय कर रही है, इनको बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं मेहनत करनी पड़ रही थी इसे, फर्स्ट टाइम इस ट्रॉली में बैठी हुई, इन्हें बहुत आनंद आ रहा था बैठ के। और यहाँ पे ये देखिए 49 रुपीज़ में आपको ये, इसमें से कोई भी आइटम आप ले सकते हैं, इस जस्ट 49। और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट ऑफ़र था वो था आपका 99 में, आप 99 में कोई भी आइटम ले सकते हैं। और यहाँ पे 99 में आपको 1 kg की नमकीन भी थी इसमें, और बहुत चीज़ें थी, देखिए आप देख रहे हैं कितने सारे चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही थी। और इसी के लिए हम लोगों ने ये चीज़ को ट्रॉली पर बैठा दिया, ताकि ये हमें ज़्यादा परेशान ना करें, इधर उधर सामान ना छुएं। और ये देखिए इस तरीके से बाई 1 get 1 free, बाई 2 get 1 free, 50% ऑफ और 90% ऑफ, इस तरीके से ऑफ़र्स बहुत सारे ऑफ़र्स थे, और सारे ही आइटम्स पे, हर एक कोई भी आपका आइटम हो हर एक आइटम पे ऑफ़र्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी लेना हो यहाँ पे ओट्स हैं, या फिर देखिए कैसी में कहीं पे कुछ ऐसे है कि डायरेक्टली इतने रुपए ऑफ़ है, तो इस तरीके से हर एक चीज़ पे ऑफ़र चल रहा था यहाँ पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने भी थोड़ा बहुत सामान लिया क्योंकि मेरा हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, और बट हम लोग ऐसे ही घूमने आए थे सहारागंज मॉल, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये मार्केट देखी, तो हम मुझे अच्छे लगे ऑफ़र्स थे, तो मैंने कई सारा सामान बाय करा है, ख़रीदा है। तो आप भी चाहे तो विज़िट कर सकते हैं अपने किसी भी नियर स्मार्ट बाज़ार में जाके, वहाँ पर आपको ये ऑफ़र्स अभी भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऑफ़र्स अभी भी हैं। और देखिए यहाँ पे आपका जो दाल और चावल जो भी था सभी पे मुझे तो मैं कहूँ तो पर्सनली मुझे रेट कम लगे, और काफ़ी ऑफ मतलब ऑफ़र का मतलब था कि हाँ यूज़फुल था। और ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी कितनी ही अच्छी क्रॉकरी भी थी यहाँ पे, ये देखिए कितने ही अच्छे ग्लास हैं सुंदर से, और ये ग्लास आपको सिर्फ मिल रहे थे ये 499 में, ये देखिए 499 में कितने ही सुंदर ग्लास थे जिनका सेट आपको पूरा मिल रहा था। तो यहाँ पे यशी जो थी वो थोड़ी थोड़ी बोर हो रही थी, क्योंकि वो कंटिन्यू ट्रॉली में ही थी और कुछ शैतानी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी परेशान भी हो रही थी। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, और अब मैं बिलिंग करा रही हूँ, और बिलिंग के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बस अनवांटेड शॉपिंग हो गई, जो कि मुझे लेना नहीं था, बट अगर हम आए तो फिर मुझे फिर जो चीज़ें ठीक लगी मैंने वो ले लिया, और थोड़े बहुत स्नैक्स लिए थे, और बस ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ स्नैक्स की ज़रूरत थी, क्योंकि बाकी जो भी राशन होता है वो हम लोग मंथली का ला चुके थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स ख़रीदा है, और उसी का हम लोग बिल करा रहे थे यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर थे जिससे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बिलिंग करा के अब हम निकल चुके हैं बाहर, और फटाफट अब हमारी बिलिंग हो गई है। और यहाँ पे पैकेट के एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, तो आप हमेशा अपना कैरी बैग साथ लेके जाएं, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा शॉपिंग का, इस वजह से हम कैरी बैग नहीं लेके थे, लेकिन आप जब भी जाएं तो कैरी बैग साथ लेके जाएं। तो अब यहाँ पे हम लोग सारा शॉपिंग हो चुकी है, और शॉपिंग के बाद अब हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने एक भी पिक क्लिक नहीं की थी। तो ये देखिए ये है आपका व्यू मॉल का, सहारागंज मॉल, आप अगर नहीं गए हैं लखनऊ के सहारागंज मॉल तो ये वहाँ का व्यू है। और लिफ्ट से हम लोग नीचे जाए थे, क्योंकि पूरा मार्केट टहलते टहलते स्मार्ट बाज़ार मेरे तो पैर इतने दर्द हो गए थे कि मेरी हिम्मत नहीं थी चलने की, अब तो मैंने कहा लिफ्ट से ही चलते हैं।
तो यहाँ पे यशी को बहुत मज़ा आ रहा था लिफ्ट में बैठने का। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट, थोड़ी सी कह लीजिए वीडियो बनाई, क्योंकि अब कहीं भी अच्छे लोकेशंस पे जाओ और अच्छे व्यूज़ हों और वहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक मत करें, क्योंकि बहुत लोग तो स्पेशली मॉल इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें फ़ोटो क्लिक करनी होती है और वीडियोज़ बनानी होती है, रील्स बनानी होती है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं था, वो तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि हम लोग आए और एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं की। मैंने कहा चलो ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी शैतानियाँ और यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि ऐसा कॉमेडी सीन हो गया कि यशी यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे पोज दे रही थी और सडनली उन्हें पॉटी रियलाइज हुई और ये हो गई पॉटी, और ये तुरंत भाग के आती हैं मेरे पास ये कि मम्मा पॉटी हो गई। और यहाँ पे बहुत दिनों बाद हम लोगों ने रिक्शे का आनंद लिया, क्योंकि काफ़ी अब ओला चलने लगा है, रैपिडो ओला, तो कोई भी रिक्शा इतना जल्दी नहीं करता है। बट वहाँ पे मुझे रिक्शा दिखा और हम लोग बहुत टाइम बाद रिक्शे पे बैठे, काफ़ी सालों बाद कह लीजिए, काफ़ी साल बाद रिक्शे पे बैठा हूँ मैं। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं घर। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे यशी की कुछ शैतानियाँ, और यहाँ पे फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं घर जाने के लिए, और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और यूज़फुल रहा नहीं रहा प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। अगर आपका कोई आइडियाज़ हो तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं, मतलब तो मैं आपको कोशिश करूँगी कुछ इन्फॉर्मेशनल या किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मुझे बताएं प्लीज़। थैंक यू।